अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है अ वुडन टेबल शुड बी अ सॉलिड। तो बोला है कि एक लकड़ी की जो टेबल होती है वो कहीं किस फॉर्म में होती है, हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही, ऐसा क्यों? ठीक, तो आंसर है अ वुडन टेबल हैज अ डेफिनेट शेप। एक लकड़ी की जो टेबल है उसको हम सॉलिड क्यों काउंट कर रहे हैं? तो इसलिए काउंट कर, देखिए कि अ वुडन टेबल हैज अ डेफिनेट शेप, क्योंकि लकड़ी का जो टेबल बना हुआ उसका शेप क्या है, एक फिक्स है, निश्चित है, एंड वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है, बार बार चेंज नहीं हो रहा। अगर मान लो कोई भी टेबल हो गई जैसे, तो उसका शेप और उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। इट इज अ वेरी रिगिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ये काफी मजबूत होती है और उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप टेबल को दबाओगे तो नीचे चल जाएगी, वो फिक्स वही रहेगी। इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉलिड, और एक किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, सॉलिड की। किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी, सॉलिड की। आपने पढ़ा है सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मजबूत होता है, रिगिड होता है, बेटा वहां बैठ जाए, इधर यहाँ बैठे। तो ये सारी किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपके सॉलिड। हेंस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, इसलिए लकड़ी की जो टेबल होती है उसको किसके अंदर काउंट किया जाता है, सॉलिड के अंदर। ठीक, क्यों? क्योंकि सॉलिड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसे होती है, वो दे रखा है, एक तो उसका शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, वो फिक्स होता है। सेकंड पॉइंट इसका क्या हो सकता है, रिजेक्ट होता है एंड नॉट कंप्रेस्ड, और इसको अपन कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। इसी कारण से किस तरह काउंट किया जाता है टेबल को, सॉलिड के अंदर। आई बात समझ? तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक के कारण से काउंट किया जाता है टेबल के अंदर। ठीक, इस तरह नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।